नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि चूहों पर ही लैब टेस्टिंग क्यों होती है? क्योंकि चूहे भी इंसान की तरह स्तनधारी जीव हैं, इसकी कोशिका भी इंसानों की तरह होती है। इसी वजह से अगर किसी दवा का प्रयोग चूहों पर किया जाता है और अगर दवा का असर चूहों पर सफल हो जाता है तो वह इंसानों पर भी प्रयोग के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि यह प्रयोग चिंपैंजी और बंदरों पर भी किया जा सकता है, पर क्योंकि चूहे का साइज छोटा होता है इसलिए उसे लैब में अच्छी तरीके से रखा जा सकता है। क्योंकि इसका जीवन काल छोटा होता है, इस वजह से किसी भी दवा के परिणाम चूहे में ज्यादा जल्दी देखने को मिल जाते हैं। अगर वही बंदरों पर टेस्टिंग की जाती है तो उसका परिणाम देर में देखने को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहा मां 26 दिनों के अंदर बच्चे को जन्म दे देता है। जहां अन्य जानवरों में टेस्ट का रिजल्ट कई सालों में देखने को मिलता है, वहीं चूहे में यही रिजल्ट कुछ महीनों में ही देखने को मिल जाता है। इसलिए समय की बचत के लिए ही चूहों पर टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि इंसानों पर टेस्टिंग डायरेक्ट नहीं की जा सकती है, जिससे इंसानों की जान भी जा सकती है। इसी वजह से चूहों पर टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक